हेलो क्लास नाइन्थ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आव आर यू ऑल आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट टुडे इन सेकेंड स्टैंड सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन यहाँ से पढ़ेंगे हम ठीक है सभी बच्चे देखेंगे पेज नंबर ट्वेंटी टू पे द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड और एंड फॉर दिस रीज़न It is still played in temples and is an indis indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shahnai wa uh, was part of the Naubat or traditional ensemble of nine instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. द क्रेडिट फॉर ब्रेंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिसमिल्ला खां ठीक है शहनाई की देखेंगे शहनाई की जो आवाज़ होते हैं को शहनाई की आवाज़ है उसको पवित्र समझा जाने लगा और इसी कारण से इसे मंदिरों में बजाया जाता है सभी उत्तरी उत्तरी भारतीय सभी उत्तरी भारतीय शादी का एक प्रमुख अंग है और अतीत में शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी और शाही दरबार में यह नौ यंत्रों का एक पारस्परिक समूह होता था अभी हाल में इसे केवल मंदिरों और विवाहों में बजाया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है इस य इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का सारा श्रेय उस्ताद बिश्मिल्ला खां को ही जाता है ठीक है अब यहाँ से स्टैंडर थ्री देखेंगे एज अ फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता ठीक है भोजपुरी चैता बजाने के लिए गाते थे एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अग लड्डू वेंग वन पॉइंट टू फाइव के जी अ प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा ठीक है एक दशमलव दो पाँच किलो का सवा किलो का वन पॉइंट टू फाइव के जी अ प्राइज गिवन बाई अ लोकल महाराजा दिस हैपेंड एट्टी ईयर्स अगो यह अस्सी साल पहले हुआ था and the little boy has ट्रेवल्ड far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna, है ना? तो कह सकते हैं कि जो पाँच वर्षीय बच्चे के रूप में जो विशिल्ला खां एक तालाब के समीप डोमराव के प्राचीन संपदा के समीप गुल्ली डंडा खेलते थे वह नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी जो कि चैता होता है गाने के लिए जाते थे और उसके समाप्त होते ही समाप्ति पे उसे एक दसमलव दो पांच किलो का एक लड्डू इनाम के रूप में महाराजा द्वारा दिया जाता था ऐसा अस्सी वर्ष पूर्व हुआ था छोटे लड़के ने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की जो देश का सबसे बड़ा नागरिक इनाम है है ना जिसको सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टेंजा फोर बोर्न ऑन ट्वेंटी वन मार्च नाइनटीन सिक्सटीन बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार हिज ग्रैंड फादर रसूल बक्स खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट शैन शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजाओं दरबार के है ना हिज फादर पैगंबर बक्स एंड अदर पैटर्नल वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स है ना है कि उन्नीस मार्च 1916 को में जन्म बिस्मिल्ला खां ध्यान देंगे इक्कीस मार्च 1916 में जन्म ए बिस्मिल्ला खां बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के घराने में संबंध रखते हैं उनके दादाजी रसूल बक्स खां भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज़ थे उनके पिता जो उनके पिताजी थे पापा जी थे पैगंबर बक्श और अन्य पैतृक जो पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे ठीक है आगे देखेंगे स्टेंजर फाइव से द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ थ्री वेन इज मदर टुक हिम टू हिज मेटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस जो कि अब वाराणसी हो गया है बिमिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड अ कंपनिंग हिज अंकल ऑल बक्स To the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Shahnai. All Bux would play the Shahnai, and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangal. Mangalmay, Mangalamaya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were early considered, earlier considered to be beyond the range of the Shahnai. देखिए क्या है कि नवयुवक बालक ने जीवन में आरंभ से ही संगीत जानना सीख लिया तीन वर्ष की आयु में जब उसकी माता जी उसे उनके उसके मामा जी के घर बनारस ले गईं ठीक है जो कि अब वाराणसी हो गया है बिस्मिल्ला खां मामा जी द्वारा शहनाई का अभ्यास देखकर शहनाई पर मोहित हो गए शीघ्र ही बिस्मिल्ला खां ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में साथ जाना आरंभ कर दिया जहां पर अली बख्श को शहनाई बजाने का कार्य में लगाया जाता था अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला खान उनके साथ घंटों तक शहनाई पर मोहित हुआ बैठा रहता था धीरे धीरे उसने भी यंत्र को उन्होंने भी यंत्र को बजाने का की तालीम लेनी आरंभ की और सारा दिन बैठे अभ्यास करते रहते थे आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा के किनारे नवयुवक के सीखने के प्रिय स्थान बन गए जहां वह एकांत में बैठकर अभ्यास कर सकता था गंगा जी के बहुत बहते हुए पानी ने उसमें सुधार लाने और रागों का आविष्कार करने की प्रेरणा भरी जिससे पहले शहनाई की पाँव से दूर समझा जाता था ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे एट द एज ऑफ फोर्टीन से ओके सो आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दैट्स ऑल फॉर टू डेज़ क्लास थैंक यू